दी कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी स्कॉलर्स आर इम्पोर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ हिस्टोरियोग्राफी जो काम किया है बहुत सारे ऐसे इस्कालर्स जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है जो डेवलपमेंट किया है हिस्ट्री में द लेटस है लुक एट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ़ फ्यू नोटेबल स्कॉलर्स चलो तो हम देखते हैं फ्यू जो नोटेबल इसकॉलरस हैं उनके बारे में जानते हैं जॉर्ज विलियम फेडरिज हेगल नाइनटी सेवनटीन सेवेंटी टू एटीन थर्टी हेगल वॉज अ जर्मन फिलासफ़र हेगल कौन थे जर्मन फिलासफ़र थे ही इंसिस्टेड दैट हिस्टोरिकल रियालिटी शुड बी प्रेजेंटेड इन अ लॉजिकल मैनर उनका क्या कहना था कि जो हिस्ट्री है वो एक लॉजिकल मैनर में प्रेजेंट की जानी चाहिए लॉजिकल मैनर में रहनी चाहिए टू हिम द टाइम लाइन ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स वॉज इंडिकेटिव ऑफ प्रोग्रेस ही ऑल्सो थाट दैट द प्रेजेंटेशन ऑफ हिस्ट्री इज़ बाउंड टू चेंज ओवर दिट टाइम एज न्यू एविडेंस वुड कम फोर्थ उनका ये कहना था कि हिस्ट्री बदलते रहनी चाहिए क्यों कैसे किस तरीके से बदलती रहनी चाहिए जिस तरीके से हमें न्यू न्यू एविडेंस मिलते हैं न्यू नई चीज़ें हमारे हाथ लगती है तो उस हिसाब से हिस्ट्री क्या होती जाती है बदलती जाती है विथ हैगल्स फिलासॉफी मैनी स्कॉलर्स कन्विंस्ड

जो उनका कलेक्शन है लेक्चर्स आर्टिकल्स का वो उनके बुक में पब्लिश किया गया है जिसका नाम है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फ़िलोसॉफिकल साइंस हिज बुक रीज़न इन हिस्ट्री इज़ वेल नोन और उनका जो बुक है रीज़न इन हिस्ट्री ये जाना माना बुक है जस्ट मैं एक बार रिपीट करती हूँ जॉर्ज विलियम फेडरिज हेगल के बारे में ही वॉज अ जर्मन फिलोसोफर वो कौन थे एक जर्मन फिलोसोफर थे उन्होंने हिस्ट्री को लॉजिकल मैनर में प्रेजेंट करने के लिए कहाँ था और उनका ये कहना था कि विथ चेंजिंग टाइम टाइम जिस तरीके से चेंज होता है और हमें न्यू एविडेंस मिलते हैं उसी तरीके से हिस्ट्री में बहुत चेंजेस आते हैं न्यू एविडेंस के साथ उनका ये भी कहना था कि जो साइंटिफिक मेथड्स से जो हिस्ट्री के मैथड्स हैं वो डिफ़र करते वो बहुत अलग है लेकिन जो मेथड्स हिस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं वो उनकी क्वालिटी भी जिस तरीके से साइंटिफिक मेथड्स की क्वालिटी अच्छी होती उसी तरीके से हिस्ट्री में जो मेथड्स होते यूज़ होते हैं उसकी क्वालिटी भी अच्छी ही है उनके कुछ लेक्चर्स और आर्टिकल्स उन्होंने कलेक्ट किए थे वो पब्लिश किए हैं बुक एक बुक में जिसका नाम था एनसाइक्लोपीडिया फ़िलोसॉफिकल साइंस और उनका जो एक बुक जाना माना है उसका नाम है रीज़न इन हिस्ट्री